अगर इन तीनों नाइट्रोजन एटम का आपस में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर डीलोकलाइज होता है और sp2 हाइब्रिडाइज होता है इसी तरह इस नाइट्रोजन का लोन पेयर भी डीलोकलाइज होता है और sp2 हाइब्रिडाइज होता है इन दोनों नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज होने का मेन रीज़न ये रहता है कि इसके लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में सी डबल बोन एन ग्रुप प्रेजेंट रहता है अगर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की बात की जाए तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है बट ये लोकलाइज होता है किसी भी तरह से ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इन तीनों नाइट्रोजन एटम की बेसिसिटी को कंपेयर करने के लिए हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं एक को हम ए मानते हैं दूसरे को बी और थर्ड वाले को हम सी मान लेते हैं अब इन तीनों में से कौन सी नाइट्रोजन स्ट्रोंग बेस होगी ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि किस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि नाइट्रोजन ए और नाइट्रोजन बी का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो सकता है इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करके इसमें सी पर जा सकते हैं और इसी तरह से ये इफेक्ट इस बी वाली नाइट्रोजन में भी हो सकता है तो इन तीनों नाइट्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करें तो इन दोनों एनएसटू ग्रुप के प्लस एम इफेक्ट के कारण इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी जबकि इन दोनों नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि दोनों नाइट्रोजन सेम मैग्नीट्यूड का प्लस एम एफ शो करते हैं अगर इन तीनों की बेसिसिटी को कंपेयर किया जाए तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम एन होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर ये आता है कि सी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है जबकि ए और बी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होती है इस कारण से बेसिसिटी का भी यही ऑर्डर होगा कि सी की नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग बेस होगी जबकि ए और बी की नाइट्रोजन आइडेंटिकल या इक्वल बेस होगी अब इससे एक बात तो ये क्लियर हो गई तीनों नाइट्रोजन में से जो सी नाइट्रोजन है वो स्ट्रॉन्ग बेस है अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ती है ग्वानिडिन कहीं भी इलेक्ट्रॉन देता है तो सी नाइट्रोजन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी यानी सी के थ्रू इसमें प्रोटोनेशन होता है बट सी के थ्रू प्रोटोनेशन होने से किस तरह ग्वानिडीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस बन सकता है इसके लिए हम इसकी प्रोटोनेशन रिएक्शन को कंसिडर करते हैं यानी हम ऐसी रिएक्शन कंसिडर करते हैं जिसमें ग्वानिडीन एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देता है इस रिएक्शन में ये एन एस टू के इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से माइग्रेट करेंगे कि इस एन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और अब ये एन इस एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा जिससे ग्वानिडीन से एक कंजुगेट एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ग्वानिडीन का जो कंजुगेट एसिड होता है उसे हम ग्वानिडीनियम कहते हैं और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि जिस कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है उस कंपाउंड की बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है और बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होने के कारण उसकी के बी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है जबकि पी के बी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है अगर इसके डेटा को हम पी के ए वैल्यू में एक्सप्रेस करें तो इसकी जो पी के ए वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है अगर ग्वानिडीन के रिगार्डिंग हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ग्वानिडीन स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस होता है इसका मतलब ये है कि जो ग्वानिडीन का कॉन्जुगेट एसिड यानी ग्वानिडीनियम आयन बनता है इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी अगर इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो इस बेस की बेसिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अब ग्वानिडीनियम आयन की या इसके कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है अब हम इसको कंसिडर करते हैं अब ग्वानिडीन के कंजुगेट एसिड में इन दो एन एस टू ग्रुप के कारण प्लस एम इफेक्ट शो होता है जिससे इसकी कुछ और आर एस बना सकते हैं जैसे जब ये लोन पेयर इधर माइग्रेट करता है और इसके इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करें तो इससे हम इसकी सेकेंड आर एस की फॉर्मेशन कर सकते हैं और इसी तरीके से जब इस नाइट्रोजन के लोन पेड़ इधर जाए और इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव करें तो इससे हम तीसरी आर एस की फॉर्मेशन कर सकते हैं अब इन तीनों आर एस में सबसे कॉमन फैक्टर ये है कि तीनों नाइट्रोजन पर बाय पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है अगर इसका हम हाइब्रिड कंसिडर करें तो इसका हमको कुछ इस तरह से देता होगा अब अगर आइडेंटिकल तो होती है तो कि डिफरेंट नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है इसीलिए इन आर को हम इक्वेलेंट आर कहते हैं यानी ग्वालिडिन के कॉन्जुगेट एसिड में टोटल तीन इक्वल आर बनती है क्योंकि ये आर एस एसिड की है इसलिए उसकी केबी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है जबकि पी केबी वैल्यू उतनी कम हो जाती है इसलिए ग्वानिडीन स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजेनस ऑर्गेनिक बेस होता है ग्वानिडिन के थ्रू बनने वाले कॉन्जुगिट एसिड की स्टेबिलिटी को हम कार्बोक्रटाइन की स्टेबिलिटी से भी समझ सकते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को हम इधर की साइड शिफ्ट कर देते हैं और जैसे ही बॉन्ड नाइट्रोजन की साइड शिफ्ट होता है इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और कार्बोक्रटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है और जीओसी में कार्बोकोटेन की स्टेबिलिटी में हमने ऐसा देखा है कि अगर कार्बोक्रोटाइन के एडजिस्टेंट कार्बन पर कोई ऐसा एटम रखा हुआ है जिस पर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो ऐसी कंडीशन में इस कार्बोक्रटाइन की स्टेबिलिटी

अब सबसे खास बात यह है कि इन दोनों आर में से ज्यादा स्टेबल कौन सी आर होती है इसमें ज्यादा स्टेबल ये वाली आर होती है क्यों क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई पाइबोन ज्यादा है इसलिए इस आर की स्टेबिलिटी ज्यादा है दूसरा हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर सी पॉजिटिव है अगर इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन सिक्स है यानी कि इस आर का या इस कार्बो कट का ऑक्टेट पूरा नहीं है और जैसे ही एन ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे एन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ फिर भी इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन जो है एट है

तो ये कार्बोक्रोटेन से भी ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो यहाँ पर तीन एनएसटू ग्रुप होने के कारण ये तीन बार इसमें प्लस एम के थ्रू इस कार्बोक्रोटेन को स्टेबलाइज़ कर सकते हैं इसी कारण से ग्वानिडीन का जो कंजुगेट एसिड होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और जो कि ग्वानिडीन को स्ट्रोंगेस्ट नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस बना देती है अब मान लीजिए किसी भी ग्वानी में अगर यहाँ के इस एच को रिप्लेस करके उसकी जगह पर कोई ग्रुप आर लगा दिया जाता है तो ऐसी ग्वानी डी सब्सिटेड कहलाती है और इस ग्वानी में जब एन के इलेक्ट्रॉन इस तरह से माइग्रेट करेंगे तो इस एन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी इस एन ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और इस एन के थ्रू इलेक्ट्रॉन विद्रोल करने के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा अब बेसिसिटी के लिए ये जो इसका डोनर एटम है इस पर इलेक्ट्रॉनिस्सिटी चेक की जाती है क्योंकि अगर डोनर एटम पर इलेक्ट्रॉनिस्टी जितनी ज़्यादा होती है वो कंपाउंड उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है ग्वनडिन के डेरिवेटिव्स में इस आर ग्रुप का इम्पोर्टेंट रोल रहता है यहाँ पर आर ग्रुप दो टाइप के हो सकते हैं पहले टाइप में वो आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग इफेक्ट शो करते हैं जैसे माइनस आई या फिर माइनस एम या दोनों ऐसी कंडीशन में ये आर ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉल कर लेता है जिससे इस नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर एटम की जो होती है वो बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए ऐसे ग्वारीडीन जिनमें आर की वैल्यू इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हो इनकी बेसिसिटी भी डिक्रीज हो जाती है और बेसिसिटी डिक्रीज होने से के बी वैल्यू डिक्रीज होती है जबकि पी के बी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और अगर बेस के लिए इनकी वैल्यू को इनके डेटा को पी के वैल्यू में एक्सप्रेस करें तो इनका पी के वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है इसी तरह इसकी सेकेंड कैटेगरी में आर वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं यानी प्लस आई प्लस एच या प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं जिससे अब ये आर ग्रुप क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे जिससे इस नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होती है इसलिए ऐसे कंपाउंड की जिनमें आर की वैल्यू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखे हुए हैं बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और बेसिसिटी इंक्रीज होने से इसकी के वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जबकि पी के भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और अगर इसके लिए हम डेटा को पी के वैल्यू में एक्सप्रेस करें तो इसकी पी के ए वैल्यू इंक्रीज हो जाती है यहाँ पे टोटल पांच टाइप की ग्वानिटिन दी गई है जैसे कंपाउंड फर्स्ट की फॉर्म में ग्वानिटिन है और बाकी सभी में इस एच को हटाकर डिफरेंट ग्रुप रखे हुए है। हैं जैसे सेकेंड में फिनाइल रख दिया थर्ड में सी ओ एम रखा है फोर्थ में सी एन और फिफ्थ में नाइट्रो ग्रुप है इन सभी में एक कॉमन मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा कि ये जो एन एस टू के इलेक्ट्रॉन है अपना प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे इस कारण से इस एन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा अब इस एन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होने के बाद हमको यह देखना है इस एन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है जैसे यहां पर दो से लेकर पांच तक के जो कंपाउंड हैं उनके एन के साथ लगे हुए ग्रुप के डोमिनेंट इफेक्ट को लिख लेते हैं अगर इन सभी का एम का ऑर्डर देखें तो सबसे नाइट्रो ग्रुप में होगा फिर सी एन में होगा फिर कीटो ग्रुप में होगा और सबसे पोअर माइनस एम फिलइल रिंग में होगा इसका मतलब यह है कि नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम सबसे पावरफुल होने के कारण पांचवे कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन डेटी को बहुत ज्यादा विड्रॉल कर लेगा इस कारण से इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाकी सभी के कंपैरिजन में सबसे कम हो जाएगी जबकि फिनाइल ग्रुप का माइनस एम सबसे कम होने के कारण ये इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से विद्रॉल नहीं कर पाएगा और इसलिए इस नाइट्रोजन पर इन बाकियों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी अब बात करते हैं कंपाउंड फर्स्ट की कंपाउंड फर्स्ट में यहाँ पे एच ग्रुप लगा हुआ है जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता इसका मतलब यह है इसके नाइट्रोजन पर बाकी सभी कंपाउंड की नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अब बात करते हैं इन कंपाउंड की बेसिसिटी की क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों आइट में जितनी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होती है इसलिए इन कंपाउंड में बेसिसिटी का ऑर्डर भी वही आता है जो नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है बेसिसिटी के कंप्लीट ऑर्डर को हम पी के ए वैल्यू के साथ कोरिलेट कर सकते हैं यहाँ ध्यान रखना यह है कि इन बेसिस के रिगार्डिंग पी के ए वैल्यू दी गई है जो कि बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसका मतलब किसी कंपाउंड की पी के ए वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो कंपाउंड उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है और जिस कंपाउंड की पी के ए वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होती है वो कंपाउंड उस सीरीज का सबसे पुअर बेस बन जाता है अब मान लीजिए ग्वानिडीन के एक एन ग्रुप को रिप्लेस करके वहां पर बेंजीन लगा दी जाए तब इस प्रकार की जो ग्वानिडीन होती है उसमें बेसिसिटी को को डिसाइड करने के के लिए इसके एसिड किया जाता है यानी इस बेस की रिएक्शन किसी पॉजिटिव साथ, इसी H के साथ कर चूँकि इसमें एन एस टू ग्रुप प्लस एम इफेक्ट का, का काम करता है जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इस एन पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिस इंक्रीज होती है और अब ये एन नेगेटिव इस एच को इलेक्ट्रॉन देता है जिससे इस बेस का एक कंजुगेट एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है अब बनने वाले इस कंजुकेड एसिड में इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेशन के कारण इसकी एक आर एस की फॉर्मेशन और हो सकती है इसका मतलब ये हुआ इस कंपाउंड का जो कंजुकेड एसिड बनता है उसमें दो इक्विवेलेंट आर एस बनती हैं और इसको हम इस तरह के रेजोनेंस हाइब्रिड से शो कर सकते हैं जिसमें पॉजिटिव इन दोनों नाइट्रोजन पर माइग्रेट करता है इसी कारण से इस कार्बन पर भी होता है। और इसकी से उसी से करी जाती है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और माइनस एम ग्रुप लगा दे तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे, तो सबसे कम हो जाती है इस एग्जाम्पल में आर की वैल्यू इसमें से कुछ भी हो सकती है टोटल ये फाइव कंपाउंड है अब इनकी बेसिसिटी की बात करते हैं बेसिसिटी इस को इनक्रीज कर देगा अब इन आर ग्रुप के हम इफेक्ट को नोट करते हैं एच का कोई इफेक्ट नहीं होता एम ई ग्रुप का डोमिनेट इफेक्ट प्लस एच होता है ओ एम ई का डोमिनेट इफेक्ट प्लस एम होता है नाइट्रो ग्रुप में माइनस एम होता है और सी एन का भी माइनस एम होता है इन दोनों के माइनस एम को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो, इस तो, तो स्टेबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा आ गई फिर कंपाउंड सेकेंड की आएगी क्योंकि ये प्लस एस के थ्रू स्टेबिलाईज करेगा फिर कंपाउंड फर्स्ट की आएगी ना तो इसमें कोई स्टेबिलाईज कर रहा है और ना ही इसमें कोई डिस्टेबिलाईज कर रहा है और उसके बाद माइनस एम से दोनों में ही नुकसान होगा बट सी एन के कारण कम नुकसान होगा और नाइट्रो के कारण ज्यादा नुकसान होगा इसलिए इन दोनों में कंपाउंड फिफ्थ जो होगा वो फोर के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि किसी भी मोलिक्यूल में कंजुगेड एसिड की स्टेबिलिटी और उसकी बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इसलिए इस सीरीज में बेसिसिटी का ऑर्डर भी वही होगा जो कंजुकेड एसिड की स्टेबिलिटी का है इसलिए इस पूरा का पूरा ऑर्डर बेसिसिटी का ऑर्डर बन जाएगा इसी तरह इन दोनों कंपाउंड में भी हम बेसिसिटी को डिसाइड कर सकते हैं पहले कंपाउंड में ग्वानिडिन का एन एस टू हटाकर मिथाइल लगाया गया है दूसरे कंपाउंड में ग्वानिडीन का एन एस टू हटाकर फिनाइल ग्रुप लगाया है चूंकि ये हमारे पास बेस है तो इससे सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कॉन्जुकेट एसिड बना लेते हैं जब तो इसका कॉन्जुकेट एसिड आप ड्रॉ करोगे तो इन दोनों के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और इस पॉजिटिव चार्ज को ये मिथाइल ग्रुप प्लस एस स्टेबलाइज करेगा जबकि इस कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज को ये फिनाइल ग्रुप प्लस एम से स्टेबलाइज करेगा इसलिए ये जो कंजुगेट एसिड होगा इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और जब कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो उस कंपाउंड का जो बेस होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है इसलिए इन दोनों कंपाउंड में कंपाउंड सेकंड स्ट्रांग बेस होगा तो गाइस आई होप इस वीडियो लेक्चर में आपने गुआनिडीन और गुआनिडीन डेरिवेटिव्स की बेसिसिटी को बहुत अच्छे से समझा होगा तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एसिड बेस रिएक्शन के वीडियो को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी या इक्विलिब्रियम की फिजिबिलिटी किस तरह से चेक की जाती है